आदरणीय आज के संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले आए हुए सभी विद्वान शिक्षक और आज के सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं आप परम आदरणीय प्रेम से अध्यक्ष महोदय आदरणीय आप सभी पदाधिकारी लोग। मैं चूंकि समय का अभाव बहुत है और बहुत सारे वक्ता पड़े हुए हैं, मैं बहुत कम समय में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी साथियों को आप माता तुल्य मातृत्व शक्ति से परिपूर्ण रानी लक्ष्मीबाई के रूप में हमारी विद्वान शिक्षिका गण और हमारे जाबाज और इस गाजीपुर की सहयोगी धरती से आए हुए तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों का जो अपने मन में अपने दिल में एक जज्बा सजाए बैठे हुए हैं इस अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का, जो आज तमाम ऐसे फरमान जारी हो रहे हैं कि शिक्षकों पर अत्याचार किया जाए। चूंकि हम लोग तो संघर्ष में इतनी पीड़ा कर देने हुए हैं, हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। समान बिंदु होते हुए भी हमारा अनुदेशक तमाम प्रकार की याचनाओं को झेलते हुए पीड़ा को झेलते हुए वंचित शोषित अनुदेशक आज भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवा देने का काम करता है। मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे परिवार का मुखिया हमारी भी आवाज उठा रहा है। कसम बता रहा हूं, पूरे अनुदेशकों का भी आज मतलब है, पूरे अनुदेशकों का। मैं इस पंक्ति से आप सभी विद्वान अपने आदरणीय नेतृत्वकर्ता का स्वागत करना चाहूंगा कि गर्दिश में सितारे हैं तो कोई बात नहीं, गर्दिश में सितारे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो कोई बात नहीं। हमें मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि गर्दिश में सितारे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो कोई बात नहीं। और एक प्यार की एक नजर काफी है आपकी हमारे लिए। आप लोग जानते हैं कि अनुदेशक कितना पाता है, प्यार की एक नजर काफी है आपकी हमारे लिए। अगर कोई दर्द भी है तो कोई बात नहीं, हजारों जख्मी हड्डी है तो कोई बात नहीं। मेरे साथियों, लेकिन इस पाले कानून के संचालक महोदय से जो प्रमुख सचिव एसी के कमरे में बैठकर नए नए फरमान जारी किया करते हैं, साथियों आज बड़ा ही दुख होता है कि हम लोग बीपीएड एमपीएड टेट सीटेट पास होकर भी सरकार के कामों तक जी नहीं रहे। डबल बेंच, सिंगल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस पे नोटिस सरकार तक हमारी जा रही है, लेकिन उसके कानों तक नहीं जुड़े रहा है। वो हमसे लगातार लड़ने के लिए प्रेरित है, लेकिन आज हमारे शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी के लिए कि मेरे साथियों, दुआ भी देना सितम भी सहना, गया बेबसी का वो जमाना। दुआ भी देना सितम भी सहना, गया बेबसी का वो जमाना। अरे उठा लो खंजर, गिरा दो बिजली, बना रहा है संघर्ष मोर्चा नया आसियाना, नया आसियाना, नया आसियाना। मेरे साथियों, शिक्षक इस देश का निर्माता होता है, शिक्षक के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों होता है। मैं इस देश सरकार से कहना चाहूंगा कि आप हमें जितना कमजोर समझते हो, अरे हमें कम समझने वाले कहीं तेरी आंख नन्ना हो जाए, हमें कम समझने वाले कहीं तेरी आंख नन्ना हो जाए। अरे तू हमें क्यों कम समझता है, कहीं तू कम ना हो जाए, कहीं तू कम ना हो जाए। मेरे साथियों, संचालक महोदय का बार बार इशारा आ रहा है कि
ज्यादा कम है, बहुत साथी बोलने के लिए है। बस लास्ट पंक्ति में अपनी बोलने को विराम दूंगा, बस बस एक एक पंक्ति में मैं अपनी बोलने को विराम दूंगा। कहना चाहूंगा कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभवी जब अपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। बस यही कहना चाहूंगा कि छेड़ने पर मन भी भाचाल बन जाता है और टीप पर आईना भी काल बन जाता है। अरे मत खेलो इन शिक्षकों के खून से प्रदेश सरकार, मत खेलो इन शिक्षकों के खून से प्रदेश सरकार, वरना जल के काला कोयला भी लाल बन जाता।